24 घंटे में धर दबोचा चंदन तस्कर को। 150,000 रुपये की लकड़ी की बरामद। दिनांक 14/5/2019 को फरियादी दिगपाल सिंह राजपूत निवासी पिपलाजिया द्वारा अपने खेत पर चंदन के पेड़ के चोरी हो जाने की रिपोर्ट थाना गुरावर पर दर्ज कराई गई, जिस पर अपराध क्रमांक 185/19 धारा 379 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री प्रदीप शर्मा द्वारा घटना के आरोपियों की धरपकड़ हेतु सूचना तंत्र को सक्रिय किया, चोरी गए चंदन के पेड़ की तलाश करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान थाना कुरावर पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बोरखेड़ा जोड़ पर दो व्यक्तियों को चंदन की लकड़ी बेचने की बात करते सुना गया है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु थाने से गठित टीम को मुखबिर के बताए स्थान पर भेजा गया, जहां पर दो व्यक्ति पुलिस को आता देख भागने लगे, जिन्हें टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा। वह नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम जही खा पिता रियासत खा, उम्र 35 वर्ष निवासी रागोखेड़ी एवं रईस पिता जग्गू खा, उम्र 50 साल निवासी गेहूंखेड़ी का होना बताया। पकड़े गए उक्त व्यक्तियों से चंदन चोरी के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा गांव पिपलाजिया से चंदन का पेड़ चोरी करना एवं उसके पास ही सड़क किनारे छिपाया छिपाना स्वीकार किया गया, जिनके बताए गए स्थान से उनके द्वारा छिपाए गए चोरी के 35 किलो चंदन की लकड़ी बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा करने में थाना कुरावर के थाना प्रभारी आरएस दिवाकर, उप निरीक्षक पवन सिंह भदौरिया एवं उनकी टीम की पूर्ण भूमिका रही है। राजगढ़ से बीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट।